हेलो फ्रेंड, मैं हूं आपका होस्ट दोस्त आदर्श। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इग्नू के 34th कन्वोकेशन के बारे में। और जो बच्चे इतने दिनों से पूछ रहे थे कि इग्नू दिसंबर 2020 वाला रीएवलुएशन रिजल्ट कब अपडेट करेगा, तो आज हम इस वीडियो में अंत में उसके बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, अंत का सेक्शन मिस मत कीजिएगा। आप लोग वीडियो को स्किप कर देते हैं और बाद में कमेंट करते हैं। इंडिविजुअली मुझे सब स्टूडेंट के रिप्लाई, कमेंट का रिप्लाई देने में बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यू हमारे चैनल पर नया है वो हमारा रेड कलर का सब्सक्रिप्शन बटन प्रेस कर लीजिए। इसके बगल में बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस कर लीजिए, सो डेट इग्नू के रिगार्डिंग कोई भी न्यूज एंड अनाउंसमेंट इसी चैनल पर मिलेगी और इग्नू के रिजल्ट की कवरेज इसी चैनल पर मिलती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले देखिए, जिन्होंने अपना 18 अपडेट नहीं देखा है जून 2020 का, तो इस वीडियो को देख लीजिए, आपको फुल क्लेरिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, इग्नू का ऑफिशियल वेबसाइट टाइप कर लीजिए किसी भी वेब ब्राउजर में, ignu.ac.in, और आपके इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पे ही 34th कन्वोकेशन का बैनर देखने के लिए मिल जाएगा। इसमें चीफ गेस्ट कौन है, हमारे HRD मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर श्री रमेश पोखरियाल निशंक, जो इससे पहले जो से पिछले वाला था, प्रीवियस वाला, उसमें भी यही चीफ गेस्ट है, ठीक है। हम नीचे से स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा लेटर फॉर स्टूडेंट रिगार्डिंग 34th कन्वोकेशन इन वर्चुअल मोड। आप लोग तो जानते हैं कि गूगल मीट के थ्रू 34th कन्वोकेशन होने वाला है क्योंकि कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं। तो जैसे इस लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बोलेगा क्लिक हियर फॉर डिटेल, तो जैसे इस लिंक पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने एक PDF डाउनलोड होके आ जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए, यहाँ पर आपको साफ बताया गया है ये एक तरह का आपको इन्विटेशन लेटर है 34th कन्वोकेशन के लिए। तो इसमें सब बताया गया है कि 11 बजे से 34th कन्वोकेशन स्टार्ट हो जाएगा। उसमें जो माननीय जज है वो है रमेश पोखरियाल निशंक जी, ऑनरेबल HRD मिनिस्टर, आप लोग तो जानते ही हो, ठीक है। यहाँ पे बताया भी गया है कि पैंडेमिक के चलते ये इसमें हो रहा है, वर्चुअल मोड में हो रहा है। यहाँ पे लिंक भी दिया है वर्चुअल मोड के, और यहाँ पर आपको वेबकास्टिंग के लिए DTH प्लेटफॉर्म भी दिया है, 17, 18, 19 और 20 चैनल पर दिखाया है और बताया है कि 10:40 से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो इग्नू के वाइस चांसलर है डॉक्टर VV नेगी, उनका सिग्नेचर भी है और रजिस्ट्रार का भी यहाँ पे सिग्नेचर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप बेसिकली इसको देख लीजिए। लास्ट बट नॉट लिस्ट हम बात कर लेते हैं दिसंबर 2020 रीएवलुएशन रिजल्ट के बारे में। देखिए, ये वीडियो बनाने का हमें इसलिए जरूरत पड़ा क्योंकि बहुत दिनों से हमारे जो सब्सक्राइबर है हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे थे कि सर रीएवलुएशन का रिजल्ट कैसे आएगा। देखिए यहाँ पे शिल्पा सिंह राजपूत करके स्टूडेंट है, उन्होंने कमेंट किया था कि सर रीएवलुएशन का रिजल्ट कब तक आएगा, इसलिए हमको यहाँ पर वीडियो बनाना पड़ा। देख लीजिए यहाँ पर, तो हम आपको बताना चाहेंगे। देखिए, जो इग्नू का दिसंबर 2020 का रीएवलुएशन का रिजल्ट है उसका फॉर्म कब आया था रीएवलुएशन वाला, तो जैसा आप लोग जानते हैं कि इग्नू ने पहला अपडेट कब किया था, 22 मार्च से इग्नू ने अपना पहला अपडेट किया था दिसंबर 2020 के नॉर्मल रिजल्ट का, ठीक है। और 28 या 29 मार्च के टाइम आपका री एवलुएशन और आंसर स्क्रिप्ट के लिए जो पोर्टल था वो ओपन हो गया था। तो हम आपको बताएंगे कि जो री एवलुएशन का रिजल्ट है वो जब भी पोर्टल आता है उसके 1 month बाद आपके रिजल्ट के अपडेट आने लगते हैं, मतलब 30 days बाद आपके रिजल्ट के अपडेट आने लगते हैं। तो आपको कितना समय लगे इससे आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्च मतलब अप्रैल के लास्ट वीक में, ठीक है, या मई के फर्स्ट वीक में आपको रीएवलुएशन रिजल्ट की फर्स्ट अपडेट देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। और ज्यादातर चांस है कि अप्रैल के लास्ट वीक में रीएवलुएशन का फर्स्ट अपडेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे ही रीएवलुएशन रिजल्ट की कोई भी अपडेट आएगी तो हम वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, और फ्रीक्वेंट अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम भी चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन स्टूडेंट को जो अपना रीएवलुएशन रिजल्ट जानना चाहते हैं कि उनका कब आएगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।